धुंध होकर किसी को भी रास्ते पर कुचलते हैं, मारते हैं, जख्मी करते हैं। और जो बड़े बाप के बेटे होते हैं उनका एफआईआर में नाम तक नहीं है, आता है कानून। अगर एक है इस देश राज्य में कानून और लॉ एंड ऑर्डर है, करणवीर जी गृहमंत्री है, तो बताना चाहिए। नागपुर में जो हिट एंड रन का केस हुआ है वो कार किसकी है, किसके नाम पर है, गाड़ी कौन चला रहा था, बाद में ड्राइवर की अदला बदली की, ये रिकॉर्ड पर है। आरटीओ ऑफिसर ने क्या किया, नेम प्लेट क्यों बदली, नेम प्लेट क्यों निकाल दी। अगर बावनकुले जी का या उनके फैमिली का ये एक्सीडेंट से कोई संबंध नहीं है तो ये चोरी छपाटी क्यों की, क्यों की? और जो गाड़ी चला रहे थे शहजादे, वो तो नशे में धुत थे, उनको बचाया गया है। ये सब मामला सामने आने के बाद कानून व्यवस्था कितनी उध्वस्त हो गई है, खास करके जहां फडणवीस जहां से आते हैं गृहमंत्री, उस शहर का हाल देखिए। अगर और किसी पार्टी का नेता का ये लड़का होता तो अब तक फडणवीस की फौज हमारे पर इतना हमला कर देती, लेकिन आज आपके प्रदेशाध्यक्ष के बेटा है नशे में धुत रहा, ऐसे रिकॉर्ड पे है, गाड़ी चला रहा था, दो लोग गंभीर तरह से जख्मी है, मौत से जूझ रहे हैं, और एफआईआर में नाम तक नहीं, एफआईआर में नाम नहीं है। अगर गाड़ी बावनकुले जी की बेटे की है, उनकी है, बेटा चला रहा था, सब कुछ खत्म कर दिया एविडेंस, तो आपको अधिकार है कानून का नाम लेकर अपने विरोधियों को त्रासदी देने का? नहीं है। देवेंद्र फडणवीस, आप उस पद पर बैठने के लिए लायक नहीं हो। तो फेर जांच उम्मीद लग रहा आपको? ये क्या फेर जांच करेंगे? जब तक इस राज्य के गृहमंत्री फडणवीस जी है तब तक किसी भी अपराध की फेर जांच नहीं होगी। जब तक रश्मि शुक्ला डीजी है तब तक कोई फेर जांच नहीं होगी। कानून उनके कोठे पे नाच रहा है, फडणवीस जी के नचाया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, लोग कुचलकर मारे जा रहे हैं उनके गाड़ी के नीचे। हाँ, एफआईआर में नाम तक नहीं, गाड़ी आपकी है, गाड़ी में आपका बेटा बैठा है, वो नशे, वो लाहौरी बार है, रेस्टोरेंट बार, वहां का सीसीटीवी फुटेज निकाली है लाहौरी बार का, वहां नशे में कौन धूता, कौन दारू पी रहे थे, नशा कर रहे थे और बाद में गाड़ी में बैठकर गाड़ी चला रहे थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज अब नहीं है।